हापुड़ से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। मेरा मैम स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हकीम जी से बात करनी। जी बात हो रही है। जय हिंद, स्वागत है आपका हापुड़ वालों। हाँ जी हकीम जी, नमस्ते। जय हिंद। हाँ जी हकीम जी, नमस्ते। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है। टीवी की आवाज़ नहीं, आप फोन पर बात करें हमसे, हमारी आवाज़ आपको देर से पहुंचती है टीवी पर। हाँ जी मैडम जी, मेरा जो है खुजली हो गया है, हाथ खुजली हो पैर गया, में। खुजली। हाँ जी, और खुजली में फिर पानी सा निकला है, बहुत दाद सा बन जावा है। आवाज कम करो टीवी की। कहाँ पर होती है खुजली? पीछे हो रही जी, कमर से नीचे के बिल्कुल हिस्से में। अच्छा देखिए, वो एक आता है गौन चिलगोजा, याद रखें असली लें गौन चिलगोजा, और एक चुटकी खा लें उसको, गौन चिलगोजे को। एक 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 चम्मच अलसी का पाउडर के साथ एक चुटकी गौन चिलगोजा खा लें। एक चुटकी याद रखें, ये बहुत तेज़ होता है, और एक चम्मच अलसी के पाउडर में मिलाकर खा लें। और नमक, सॉरी, ये खाने का सोडा एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी बाद में पी लें। पूरे 24 घंटे में एक खुराक लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, एक दाने तो वो होते हैं जो खुजली करते रहते हैं, और एक दाने जो ये बता रही हैं जिनमें पानी निकलता है, तो जो दाने पानी छोड़ते हैं तो क्या उनके पानी छोड़ने से और भी दाने बनते हैं? हाँ, ये एक ऐसा ही रोग है कि वो फूटते हैं फिर दूसरे निकल आते हैं, रुकते ही नहीं हैं, और वहाँ पर अजीब सी ख़ारिश और दाद सा हो जाता है। ये एक फंगस की बीमारी है। तो ये नुस्खा जो मैंने बताया, ये किसी भी तरह का फंगस हो या ऐसे छाले निकलते हैं पैरों में, हाथों में दाने निकलते हैं, और जी वो बहुत खुजली होती है, खुजा लो तो टूट जाते हैं, फिर वो ठीक नहीं हो पाते, दूसरे निकल आते हैं। तो ये आपके खून की सफाई, स्किन की सफाई कर देता है, और जब ठीक हो जाए रोक दे। और एक खुराक लेनी है, एक चुटकी बस काफ़ी है अगर आप इस्तेमाल करें असली दवाएं। अगर जो भी मैं आपको बताऊं असली दवाएं लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, कोई भी बीमारी अगर आपको हो जाती है तो उसको छोटा ना समझें। अगर आप किसी भी बीमारी को छोटा समझते हैं, आपको लगता है कि बस थोड़ी सी कुछ दवाई खा लेते हैं हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन लापरवाही अगर आप करते हैं तो एक बड़े रोग का शिकार आप लोग हो सकते हैं। और अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं, किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं, देखिए तमाम जगह पहले आप तो ट्राई कर लीजिए, बहुत सारे ट्रीटमेंट आप फॉलो कर लीजिए। जब आप थक जाए, हार जाए, जब आपको लगे कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, तो आपके लिए द्वार खुले हैं सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम के, जहाँ पे आप लोग जब जुड़ते हैं तो वो विश्वास दोबारा से आपके अंदर बरकरार हो जाता है, वो हिम्मत आपके अंदर दोबारा से आ जाती है कि अब हम बेहतर हो सकते हैं, अब हम ठीक हो सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है रोग संबंधी, आप लोग लाइव हकीम साहब से कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। बिहार से हैं कंचन कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम हमको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। एसिडिटी की प्रॉब्लम कब से है? मैम इधर हमें 1 वर्ष से है एसिडिटी की प्रॉब्लम। आपकी उम्र कितनी है? 39 साल, 39 ईयर। ठीक जी। देखिए 39, 38, 39, 40 ये रोग आने का की उम्र है। यहाँ हमारा 4-5 रोग आते हैं जिसमें एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, खून का गाढ़ा होना, ये सब रोग, थायराइड, दिल का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। और इनमें से एक रोग आता ज़रूर है हर इंसान को। एक नुस्खा मेरा है जो घर घर तक पहुंच रहा है और बड़ा फायदा लोगों को है, वो ये है कि सौंफ, सौंठ,
जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये छह चीज़ें। मेथी का दाना लें, एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना 100-100 ग्राम लेके घर में पाउडर बना के रखा करें। और एक आता है नमक, जैतून, ये बड़े जो घर हैं और सभ्य परिवार हैं उनमें तो रहता ही है। अब एक चुटकी नमक जैतून लें, ये एक ऐसा नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये आप दो दो गिलास पानी में डालें, इस पानी के साथ ये जो पाउडर छह चीज़ों का बनाया है ये खाकर ये पानी पी लें, दो गिलास पानी, जो नमक जैतून मिला हुआ पानी, बस खाने से पहले ले लें बाद में ले लें, दिन में एक बार या दो बार, ये 10-12 रोग को कंट्रोल करता है, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन, वर्म, सूजन, लीवर की सूजन, लीवर बढ़ जाता है, लीवर बड़ा हो गया, लीवर खून नहीं बनाता, लीवर की सफाई, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की कोई बीमारी हो, खुजली हो, सोराइसिस हो, दाने निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं, ये 10-12 रोग में काम करता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, दिल्ली से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ जी गुरु जी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है वीरेंद्र जी। हाँ गुरु जी, मेरी पहले बात हुई थी आपको, हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम, और शैलजा त्याग की सिस्टर को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, और सुबह बात कर रहे थे, फोन ही नहीं मिलके दिया गुरु जी, इतने फोन मिलाते रहे वो। ठीक गुरु जी, मैं थोड़ा ये छोटे छोटे सवाल है कुछ ये पूछना चाह रहा हूँ गुरु जी। जी जी, एक तो ये है कि नमक कौन सा अच्छा है गुरु जी, ये ढेले वाला नमक अच्छा है, काला नमक अच्छा है, या सफेद जो नमक आता है ये अच्छा है, या जो पिसा हुआ नमक जो आता है ये अच्छा है, एक ये सवाल है गुरु जी। एक ये है मीठे मीठा कौन सा अच्छा है, गुड़ अच्छा है, चीनी अच्छी है, शक्कर अच्छा है, शहद अच्छा है, और एक ये है वो काला बाल करने का तरीका पूछा था जी गुरु जी, काले नहीं हो रहे बाल, पता नहीं कुछ समझने में फर्क हो गया, क्या हो गया पता नहीं, कई जगह एक कढ़ाई लगा चुका हूँ मैं गुरु जी, हफ्ते में एक बार यूज करता हूँ, थोड़ा इसके बारे में बताऊँ गुरु जी। ठीक है। और एक गुरु जी ये है, मेरी मम्मी जी है उनका थोड़ा, उनकी एज ज्यादा है मेरी सासू माँ जी, तो उनका थोड़ा गर्भाशय बाहर आ, मतलब वो बाहर है थोड़ा, उसमें अब डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहा है इनकी उम्र ज्यादा, ऑपरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए कुछ सुझाव गुरु जी, थोड़ी हो कुछ सहायता करो गुरु जी उसके लिए। ठीक है जी। झील उस शेर याद आ गया, शायद इन्होंने ही सवाल किया था पहले भी। जी जी जी, तो मुझे शेर याद आ जाता है, कौन सा चीज अच्छी है, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा नाम अच्छा है, झील अच्छा है, कमल अच्छा है, कि जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। अच्छा देखिए, मीठे में गुड़ बहुत बेहतर है, लेकिन इसकी अगर पसंद आए इसका स्वाद, और तेलों में हिंदुस्तान में तेल जो है वो राई का तेल बहुत अच्छा है, और क्या पूछा है इन्होंने, बाल काले करने का तरीका। अच्छा देखिए, बाल काला करने का तो बहुत आसान तरीका है, ये जो मैंने नुस्खा बताया था, इसको लोहे की परात में, या लोहे का, कच्चे लोहे का वो होना चाहिए, जैसे तवा होता है ना उसमें भिगो लें, वो नुस्खा तो आपको पता ही है, ये शिकाकाई, रीठा, आंवला और छोटी हड़, चार चीज़ों को पाउडर बना लें और इसमें भिगो दें, इसमें मेहंदी भी डाल सकते हैं आप, असली मेहंदी, और चाय की पत्ती थोड़ी मिला दें, और ये लोहे से रिएक्ट करता है और लोहे की कालक इसमें आ जाती है, फिर आप अपने बालों में लगाएं, भिगो के रख दें, ज़्यादा पानी न डालें, डाई गाढ़ी सी रहे, और वो अपने बालों में लगाकर ऐसे हर सब जगह अंदर अंदर करके ऐसे करके, और छोड़ दें, 2 घंटे बाद आप नहा लें, ये ओरिजिनल डाई होती है, इसमें शैम्पू भी होता है, जो रीठा है शैम्पू है, झाग भी बनते हैं, और
बालों पर एक ऐसी अलग टाइप की चमक आती है, पता नहीं कुछ गलती हो गई होगी आपसे, इस वजह से रंग नहीं आ रहा। और क्या बताया? नमक कौन सा अच्छा है, पिसा हुआ या फिर कोई और? देखिए, नमक तो नमक है, और नमक और नमकियात में बड़ा फ़र्क है। काला नमक भी बहुत अच्छा है, अगर वो रहती है आपको बदहजमी, खट्टी डकार ये वगैरह, तो काला नमक यूज़ करें। और फिर डले वाला नमक हमने मुद्दतों यूज़ किया, फिर ये कारोबार करने लगे लोग, तो पिसा पसाया नमक, इसका नमक और उसका नमक और आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन लोगों के लिए ज़रूरी है, लेकिन आयोडीन भी ज़्यादा हो जाए तो नुकसान देता है हड्डियों को। तो वैसे सादा नमक मैं बहुत पसंद करता हूँ, आयोडीन वाला बताते हैं कि बहुत अच्छा है। और क्या मदर इन लॉ के लिए गर्भाशय बाहर आ गया, हाँ उन पर ज़रा तवज्जो दें, और अपनी सास से मोहब्बत करने वाले लोग यकीनन बहुत अच्छे होते होंगे। ये आता है गोंद चिलगोजा, बस एक चुटकी उन्हें खिला दिया करें, शहद में मिला के दे दें अगर शुगर नहीं है, या किसी और चीज़ में ऐसी खा लें गोंद चिलगोजा एक चुटकी। और एक चुटकी सोडा खाने का 2 गिलास पानी मिलाकर ये पानी पिला दिया करें 24 घंटे बस एक बार, तो ना तो ऑपरेशन करा सकते हैं इस उम्र में, ना कुछ इससे उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। दिलीप कुमार से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी जी, दिलीप जी बताइए, सवाल करिए सर। हमें साल भर से 500 हो रहे, थोड़ा बीपी हल्का बीपी तो बढ़ती है, इसका कोई इलाज है? बीपी बढ़ती है जी जी, क्या उम्र है आपकी, कब से बढ़ती है, कितनी बढ़ती है? लगभग हमें साल भर से बीपी की दवा चल रही है। ठीक है, अच्छा देखिए, बीपी की दवा खाते रहें, और उसके साथ में एक नुस्खा बताता हूँ, अगर आपने 6-7 महीने लिया तो फिर आपकी को मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन वो दवा छोड़ें नहीं। और वैसे तो आपको ही ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये नुस्खा साथ में लें उसके, तो ये भी छूट जाना चाहिए और वो भी छूट जाना चाहिए, लेकिन 6-7 महीने लगातार। एक आता है कलौंजी का सिरका, लेकिन असली लेना है, नकली लेंगे कोई भी नुस्खा जो मैं बताता हूँ फिर फ़ायदा मुमकिन नहीं है। कलौंजी का असली सिरका लें, 2 चम्मच या 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं, वो 2 गिलास पानी में मिला लें या 1 गिलास में मिला लें, छोटे चाय के चम्मच कलौंजी का सिरका, और एक चुटकी उसमें खाने का सोडा डाल दें, और ये रोज़ाना रात को एक बार पी लिया करें। और आपको थोड़ा सा बीपी है तो एक ही बार काफ़ी, जिनको बहुत ज़्यादा है वो 2 बार भी ले सकते हैं, खाने के बाद दिन भर में 2 टाइम, एक सुबह को एक शाम को रात को, धीरे धीरे ये आपके 3-4 फायदे करता है, कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत के मुताबिक कर देता है, ब्लड प्रेशर जितना होना चाहिए इतना लाता है, ब्लॉकेज को खोलता है, चर्बी को कम करता है, फालिज होने से रोकता है, डायबिटीज होने से रोकता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करता है, पेट को भी बहुत अच्छा रखता है, लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं आप जी।